दिबांग 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने महापौर मालिनी गौड़ के साथ क्षेत्र में दौरा कर रहे वासियों से मुलाकात की। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से लेकर बड़ा गणपति रोड तक चौड़ीकरण का कार्य होना है। इसके चलते क्षेत्रवासियों की प्रतिक्रिया और राय जानने के लिए विधायक और महापौर के साथ मिलकर क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और साथ ही रहवासियों से चर्चा की। हालांकि दौरे के समय क्षेत्र के वासियों ने विधायक और महापौर से रोड के चौड़ीकरण से खुशी नहीं होने की मंशा जाहिर करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण में काफी लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा। घरों के टूटने से वहां पर रह रहे परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने लोगों से चर्चा की है और चौड़ीकरण में लोगों ने खुशी जाहिर की है। आकाश जी, आज महापौर के साथ विधानसभा 3 आपका जो क्षेत्र है उसका दौरा किया था, किस तरह की आम जनता से मुलाकात के बाद समस्याएं सामने आई हैं और कब तक निराकरण होगा? बस आज देखने आए थे कि रोड कहां से कहां तक बनना है, कितना चौड़ा बनना है, जो कितना उसके लिए अतिक्रमण, मतलब अतिक्रमण तो नहीं कह सकते, जो बने हुए घर हैं उनको हटाने की आवश्यकता है, कितने लोगों ने ऑलरेडी हटा लिए हैं, कितने हटाना है, जिनका हटाना है उनको क्या मुआवजे के रूप में दिया जाएगा, तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने समझने के लिए यहाँ पर आज दौरा था। भाई साहब, इस दौरान कुछ जो लोग थे वो भी आए थे, उन्होंने भी अपनी जो दिक्कतें थी, जो समस्याएं थी, उनसे आपको अवगत कराया? हाँ, उससे अवगत कराया है और ये दौरे का मकसद यही था कि इस दौरान अगर किसी को कुछ मन में बात है तो वो अपनी बात रखे ताकि हम लोग उसका निराकरण करके सबको साथ में लेके सबको संतुष्ट करके विकास करें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है और उसी के दृष्टि से ये दौरा भी था। थैंक यू। आपने दौरा किया है, सड़क का चौड़ीकरण की बात हुई है, तो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चौड़ीकरण होगा? देखिए, एक तो जो काफ़ी दिनों से हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ है सरवटे से गंगवाल, बीच में कुछ कोर्ट के आदेशों के फलस्वरूप और TNCP के आदेशों के फलस्वरूप वो काम रुक गया था। कई सारे वहाँ के रहवासी हैं जिन्होंने स्वयं सहमति से अपना मकान 80 फीट के हिसाब से तोड़ दिया था और उनको असुविधा हो रही थी। अब कोर्ट के आदेश हो गए हैं, TNCP ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अतः आज जो दौरा था महापौर जी और खेती विधायक के साथ में, तो सभी को क्लियर भी कर दिया गया है, सभी लोग तैयार भी हैं कि हम लोग 80 फीट के हिसाब से रोड बनाएंगे। रिमूवल की कार्रवाई और जो रोड बनाने की कार्रवाई है बहुत जल्दी उस एरिया में स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो दौरा है जो बड़ा गणपति क्षेत्र में MG रोड जो बड़ा गणपति से खजूरी बाजार तक का हम लोग कर रहे हैं, उस संबंध में भी क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला जी और महापौर जी के साथ दौरा किया गया है। लोग यहाँ के बहुत खुश हैं रोड चौड़ीकरण को लेके, 60 फीट को लेके लोगों में वैसा है कि कभी भी हम लोग काम शुरू कर सकते हैं, हम लोग बहुत जल्दी काम चालू करेंगे। साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि जो सड़क का निर्माण है वो एक तय समय सीमा में हो जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो और काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। देखिए, अभी चूंकि पूरा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ के लोग जितना रोड ज़्यादा चौड़ी होगी उतना ज़्यादा उनको फायदा होगा, इसीलिए 60 फीट की जब बात हो रही है। देखिए, अब आज आदरणीय हमारे इंदौर के मेयर आदरणीय मालिनी गौड़ जी, आदरणीय कमल साहब और सभी पार्षद द्वारा इस रोड का आज जो पहले से मास्टर प्लान में तोड़ा जा रहा था, इसीलिए जो उसका 80 फीट था, परंतु सब जो मास्टर प्लान 60 फीट था, लोगों ने बोला था इसको 80 फीट किया जाए, तो आदरणीय कमिश्नर साहब आदरणीय मेयर साहब ने मिलकर आज यहाँ सबका भ्रम दूर कर दिया कि आपका 60 फीट रोड ही रहेगा, कल ही उनने बोल दिया था। तो आज देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि अतिक्रमण टूटता है तो लोग वहाँ नारे लगाते विरोध करते हैं, परंतु यहाँ पूरे रस्ते भर सब लोगों ने स्वागत किया कि भाई आप अतिक्रमण अच्छा शहर के विकास समर्थन में है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये आपको बोल सकता हूँ, आप देखिए पूरा स्वागत हो रहा है और यहाँ तक कि जब नक्ति हो जाएगी, जब तोड़ने का होगा तो उसके पहले लोग पहली बार स्वयं से अपने हाथों से तोड़ेंगे और यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा बुलडोजर लगने की स्थिति नहीं है और पूरा लोग तोड़ेंगे अपने हाथ से तोड़ेंगे।